गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप मीडिया का मतलब वहाँ से वो फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात, कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। हाँ जी, नहीं नहीं, सप्लीमेंट्री नहीं प्लीज। हाँ अरुण, पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में आप कर्नाटक की बात करिए, आप गुजरात की बात करिए, दोनों जगह पर बहुत इफेक्टिव आपने कैंपेन किया। एक ही क्वेश्चन नहीं अरुण, एक ही क्वेश्चन प्लीज, एक ही सवाल। वो जब हम मैं पिछली बार गया गुजरात में तो आपने कहा था इस बार वो जो तैयारी पिछली बार थी वो दिख नहीं रही है, ये आपने कहा था उस टाइम। इस टाइम तो हो नहीं रहा है कुछ, और फिर चुनाव के बाद कहा भैया ये क्या हो गया। तो मैं आपके जो सवाल है मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, इसमें हम एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और हम इस मैसेज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं। मगर गुजरात का चुनाव, हिमाचल के चुनाव के बारे में हमारा डिस्कशन चलेगा। खारगे जी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, ही विल डिसाइड हाउ आई एम टू बी यूटिलाइज्ड। ये हिंदी मीडिया के सवाल हो चुके हैं, मैं अभी अंग्रेजी के सवाल लूंगा। आखिर में तीन सवाल हैं। रविकांत, गुड आफ्टरनून सर, आई एम रविकांत रेड्डी फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। सर, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द पार्टी सेज, पीपल परसीव दिस यात्रा एज अ पॉलिटिकल यात्रा इन अ सेंस। सो इन दैट सेंस, आफ्टर फिनिशिंग द यात्रा, एट द एंड ऑफ द यात्रा, वेयर डू यू सी योरसेल्फ एज अ पॉलिटिशियन इन द कंट्री? बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू, सो आई मीन ऑब्वियसली इट इज अ पॉलिटिकल एक्शन। This is not a sports yatra, or you know, this is, of course, it is a political action, and it is a political action against the way the BJP and the RSS are dividing the country and damaging the country, spreading hatred, spreading violence. This is a completely political action, okay? And the aim of the action is to spread the message across India that the hatred and the violence that the BJP is spreading are weakening the country, they are anti-national activities, and it is not Indian culture. Indian culture is harmonious, peaceful, affectionate. That is the idea behind the yatra, and it is 100% political message. Ravikant, no supplementary, please. Please. No supplementary, please, Ravikant. Please. You can walk with point. No, Ravikant. Yeah, yeah, no, I'll answer the final point. Don't worry. Final point is, no, please, how do I see myself? He's willing to answer. We can't break rules. Please. We have to run according to rules. The Bharat Jodo Yatra is running according to rules. Surely a press conference can run according to rules. Roshan Ali. Roshan Ali. Roshan Ali. Sir. Right now, I'm involved in